Hello, my dear kids. Welcome back. I'm Vandana and we are learning Science of Class 3 by Brain Root series. And here's a book. The name is Science Spark. Children, today we are going to start chapter number 1 and the name is Feeding Habits of Animals. So yes, we are going to learn about animals in this chapter and their feeding habits. So let's start with my learning plan. So in this, we are going to learn about feeding habits of animals. Animals ke kaun kaun se feeding habits hain? Teeth of different animals. Alag alag animals ke jo teeth hain, unke bare mein padhenge. Next, special organs of animals which help them to feed. Animals ke jo special organ hain jo help karte hain unko feed karne mein. Wo kya hote hain? Wo padhenge. Care of animals, कैसे हमें animals का ध्यान रखना चाहिए and we will learn about food chain. So here, let's start the chapter with warming up exercise. So here children, what you have to do, you have to help the animals to choose their food. So यहाँ पे कुछ animals हैं, उनके pictures बनी हैं और उनके food items बने हैं. आपको क्या करना है, उन animals को help करना है उनके food items को choose करने में. Circle their favorite food. तो हमें क्या करना है, जो भी एनिमल है उसके फेवरेट फूड को सर्कल करना है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे है एक एलिफेंट. अब उसके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बताना है कि एलिफेंट को कौन सा, इन तीनों में से कौन सी चीज़ फेवरेट है, कौन सा उसका फेवरेट फूड है. तो क्या उसे ट्रीज खाना पसंद है, क्या उसे रैबिट पसंद है, या उसे बनाना पसंद है. सो यस, एलिफेंट को बनाना खाना पसंद है. नेक्स्ट आता है पैरट. पैरट को चिली, पपाया या फिर स्नेक खाना पसंद है. सो पैरट को चिली पसंद है और अगर आपको लगता है कि कोई और भी चीज़ पैरट को पसंद है तो उसे आप सर्कल कर सकते हो. सिमिलरली कम्स द रैबिट. रैबिट को क्या चीज़ें खाना पसंद है, इसमें से आपको उसे सर्कल करना है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब का जो बेसिक नीड है, जो ज़रूरत है, वो है फूड. इट हेल्प्स देम ग्रो एंड टू कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़. ये फूड क्या करता है, लोगों को ग्रो करने में हेल्प करता है, बड़े होने में हेल्प करता है और हेल्प करता है लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने में. इट गिव्स देम एनर्जी टू वर्क एंड ऑल्सो कीप देम फिट एंड हेल्दी. ये जो फूड है लोगों को एनर्जी देता है, ताकत देता है, किस चीज़ के लिए, काम करने के लिए, और उन्हें फिट और हेल्दी भी बनाता है. एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड. एनिमल्स क्या करते हैं, फूड के सर्च में इधर उधर घूमते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं. लेट्स लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. अब फीडिंग हैबिट्स क्या हैं एनिमल्स में, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे नीड. तो जिस तरीके का खाना चाहिए, द एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पार्ट्स. एनिमल्स को थ्री मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला आता है आपका हर्बीवोरस. सो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स. हर्बीवोरस आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स. ये प्लांट खाने वाले एनिमल्स हैं जिन्हें प्लांट खाना अच्छा लगता है. सम एनिमल्स लाइक शीप, बफेलो, गोट, हॉर्स, काउ, डियर, रैबिट्स एक्सेट्रा आर प्लांट ईटर्स. सो ये जो कुछ एनिमल्स हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे ये प्लांट्स खाते हैं. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दीज प्लांट ईटिंग एनिमल्स, शीप, काउ, गोट, हॉर्स. चिल्ड्रन, डू यू नो दैट अ पांडा ईट्स ओनली बैम्बू शूट्स. क्या आपको पता है कि जो पांडा है वो सिर्फ बैम्बू के जो शूट पार्ट है उसको ही खाता है. अमेजिंग है ना. चलिए, नेक्स्ट कम्स कार्निवोरस. सो कार्निवोरस आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. ये कैसे एनिमल्स हैं जो फ्लैश खाते हैं. सम एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, उनका मीट खाते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड हंटर्स. ऐसे एनिमल्स को हंटर कहा जाता है, शिकारी कहा जाता है.
Some carnivores like hyena and vulture eat the leftover food from other animals' hunt. So, अब कुछ ऐसे भी carnivorous animals हैं जो क्या करते हैं, दूसरे animals का, जैसे जो hunters हैं, जो शिकार करते हैं, उनका बचा खुचा जो भी खाना रहता है उसे ये animals खाते हैं, जैसे कि vulture हो गया या फिर hyena. तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे बचे खुचे खाने को खाते हैं. And they are called scavengers. और ऐसे animals को scavengers कहा जाता है. तो वो animals दूसरे animals का शिकार करके खाते हैं, उन्हें hunters कहा जाता है. लेकिन वो animals जो इस बचे हुए खाने को खाते हैं, उन्हें हम scavengers कहते हैं. Children, do you know that scavengers like the vulture keep the jungles clean? क्या आपको पता है कि ये जो scavengers हैं वो हमारे लिए कितने important हैं? ये क्या करते हैं, ये जंगल को साफ रखने में हमारी help करते हैं. Means अगर मान लेते हैं कि lion या फिर tiger ने कोई शिकार किया है, किसी animal को मारा है, उसे खा लिया, पूरा ये नहीं खाते, तो थोड़ा बहुत छोड़ दिया, अब क्या होता है, ये जो scavengers हैं ये क्या करते हैं, उस बचे हुए खाने को जाके खा लेते हैं. अब उस बचे हुए खाने को जब ये खाते हैं तो उससे क्या होगा, जितना भी कूड़ा कचरा रहता है वो सारा साफ कर देते हैं, मीन जितना भी बचा हुआ फ्लैश रहता है वो सारा ख़त्म हो जाता है. तो इससे क्या होगा, जंगल साफ रहता है. आप देख सकते हो पिक्चर आपके सामने, टाइगर, लायन और वल्चर की, जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, इन्हें हम कार्निवोरस भी कहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, द थर्ड वन कम्स ओमनिवोरस. सो ओमनिवोरस आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. ये ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. जैसे कि बियर हो गया, जैकल हो गया, आपका पीकॉक, क्रो, एज वेल एज ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोरस. तो हम ह्यूमन बींग्स भी ओमनिवोरस कैटेगरी में आते हैं. एनिमल्स दैट फीड मेनली ऑन फ्रूट्स आर कॉल्ड फ्रूजीवोरस. आपको पता है वो एनिमल्स जो ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं फ्रूजीवोरस एनिमल्स. सर्टेन टाइप्स ऑफ बैट्स एंड फ्रूजीवोरस आर फेड ऑन पपायास. कुछ तरीके के जो बैट्स होते हैं, जिसे हम चमगादड़ भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये फ्रूजीवोरस होते हैं एंड फीड ऑन पपायास. ये पपाया मीन्स पपीता खाते हैं, गुआवा मीन्स अमरूद खाते हैं एंड बनानास खाते हैं. तो ये एनिमल्स क्या खाते हैं, फ्रूट्स पे डिपेंड रहते हैं. नाउ वी एज वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, लेट्स लर्न अबाउट द टीथ ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. अब हम पढ़ेंगे इन एनिमल्स के अलग अलग टीथ्स के बारे में, किस तरीके का टीथ होता है इनके पास, क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स का कुछ शिकार करते हैं, कुछ प्लांट्स को खाते हैं, खाने के लिए क्या चाहिए, इन्हें दांत चाहिए. सो किस तरीके के टीथ होते हैं इन एनिमल्स के. सो द फर्स्ट वन इज एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड च्यू द कट. सो ऐसे एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं और च्यू द कट, एक नया चीज है वो हम पढ़ेंगे क्या होता है ये. सो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ. आपको पता है कि जो प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स, वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ग्राइंडिंग टीथ. ग्राइंडिंग टीथ मतलब ऐसे टीथ जो किसी चीज़ को ग्राइंड कर सकते हैं, पीस सकते हैं. तो इनके जो दांत होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चिपटे होते हैं और इनके पास ग्राइंडिंग टीथ होते हैं. टू च्यू द फूड, फूड को ये आसानी से इसकी मदद से चबा पाते हैं. देयर फ्रंट टीथ आर शार्प. इनके जो आगे के जो दांत होते हैं, हमारे आगे के जो दांत हैं वैसे इनके जो आगे के दांत होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प मीन्स नुकीले होते हैं. बट नॉट पॉइंटेड मीन्स नुकीले, शार्प तो होते हैं, तेज़ होते हैं पर नुकीले नहीं होते हैं, पॉइंटेड नहीं होते हैं. ये कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, इस शेप में होते हैं इनके दांत. और पॉइंटेड दांत कैसे होते हैं, ऐसे दांत होते हैं. तो ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनके ऐसे दांत होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं. तो ये है शार्प टीथ और ये है पॉइंटेड टीथ. काउज एंड बफेलोज हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ ईटिंग. ये जो काउज होते हैं या जो बफेलोज होते हैं, इनके खाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. दे फर्स्ट स्वैलो द फूड विदाउट च्यूइंग इट. ये क्या करते हैं, खाने को मीन्स ग्रास को अगर वो काट रहे हैं तो उसे कट करते 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 वो सीधा उसे गटक जाते हैं, उसे चबाते नहीं हैं. सो वो क्या करते थे, इसे गटक जाने को हम स्वैलो कहते हैं. तो फूड को वो स्वैलो कर जाते हैं
विदाउट च्यूइंग, बिना चबाए। व्हेन दे रिलैक्स, अब ये एनिमल्स क्या करते हैं, जब ये बैठ जाते हैं कहीं पे आराम से रिलैक्स करते हैं, आपने देखा है ना काऊ को बैठ के जुगाली करते हुए, सो ये जब एनिमल्स बैठ जाते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, दे ब्रिंग द फूड बैक इनटू द माउथ, अब वो पेट के उस हिस्से से फूड को वापस अपने मुंह तक ले आते हैं एंड च्यू इट प्रॉपरली, और जल्दी जल्दी उसे चबा चबा के खाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड, और इसे ही हम च्यूइंग द कर्ड कहते हैं। तो आप देख सकते हो ये है हमारा काऊ, और इसका जो है किस तरीके का मुंह का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिया गया है। सिमिलरली ये है हमारी गोट, और गोट का जो स्कल का स्ट्रक्चर है, ये जो मुंह का स्ट्रक्चर है ना, ये आपके सामने, और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके के टीथ होते हैं गोट के। नाउ चिल्ड्रेन, डू यू नो दैट काउज हैव नो अपर फ्रंट टीथ, आपको पता है कि जो काऊ होती हैं ऊपर का उनका फ्रंट टीथ नहीं होता। There is a thick pad of skin in place of teeth. तो ऊपर में जो है दांत ना होके क्या होता है, स्किन का एक बहुत ही मोटा सा पार्ट होता है। आप देख सकते हो ये जो हिस्सा है ना नोज के पास से, तो ये मोटा सा हिस्सा होता है, और इसके वजह से ही वो आराम से खाने को खा पाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट ग्नॉ, सो यहाँ पे जी साइलेंट है, जी नहीं बोलना है, तो हमें क्या करना है, नो। सो एनिमल्स दैट लाइक स्क्विरल्स, रैबिट्स एंड रैट्स हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ। सो ये जो एनिमल्स हैं जैसे स्क्विरल हो गया, रैट हो गया, रैबिट हो गया, इनके जो आगे के दांत हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं, बट बोथ इन द अपर एंड लोअर जॉ, चाहे वो ऊपर का जॉ हो या फिर नीचे का जॉ, ऊपर का जबड़ा हो या फिर नीचे का जबड़ा हो, इनके दांत काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं। फॉर कटिंग द नट्स, नट्स को कट करने के लिए, ग्रेन्स को और फ्रूट्स को कट करने के लिए, सच टीथ आर कॉल्ड ग्नॉइंग टीथ, ऐसे टीथ को हम ग्नॉइंग टीथ कहते हैं। आप देख सकते हो ना स्क्विरल कितनी जल्दी जल्दी किसी भी नट को खा जाती है, ऐसी रैबिट और ऐसे ही है रैट। नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट टियर द फ्लैश एंड च्यू इट, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं वो क्या करते हैं फ्लैश को टियर करते हैं, मीन्स टियर करते हैं एंड फिर चबाते हैं। सो कार्निवरस हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ, जितने भी कार्निवरस एनिमल्स हैं उनके जो आगे के जो दांत होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ताकि वो आसानी से मीट को या फिर फ्लैश को टियर कर सके, फाड़ सके। एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, और जो पीछे के दांत होते हैं जो ग्राइंडिंग टीथ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि उस खाने को वो आसानी से चबा सके। Here you can see the example of these animals. These are carnivorous. Now children, the fourth one is animals that swallow their food as a whole. कुछ ऐसे animals हैं वो क्या करते हैं अपने पूरे खाने को बिना चबाए एकदम ही गटक जाते हैं, swallow कर लेते हैं। So some animals like lizard, frog and snake. So lizard हो गया, frog हो गया और snake जो है ये क्या करते हैं स्वेलो कर देते हैं अपने फूड को पूरी तरीके से इस फूड को गटक जाते हैं। दे डू नॉट च्यू द फूड एट ऑल, ये अपने खाने को बिल्कुल भी नहीं चबाते। सो दीज एनिमल्स डू नॉट हैव बाइटिंग और च्यूइंग टीथ, तो इसीलिए जो एनिमल्स हैं ना इनके पास बाइटिंग टीथ होता है और ना ही इनके पास च्यूइंग टीथ होता है। आप देख सकते हो एग्जाम्पल, फ्रॉग कैसे अपने खाने को पकड़ रहा है विथ हिज इट्स टंग, सिमिलरली यहाँ पे लिजर्ड एंड स्नेक। नेक्स्ट कम्स फिफ्थ वन, एनिमल्स दैट सक देयर फूड, सो कुछ एनिमल्स से क्या करते हैं अपने फूड को सक करते हैं, मीन्स चूस लेते हैं। सो इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज एंड मोथ्स सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर थ्रू अ लॉन्ग हॉलो सकिंग ट्यूब इन देयर माउथ, तो ये जो एनिमल्स हैं इनके मुंह में एक लंबी सी सकिंग ट्यूब बनी होती है जो क्या करते हैं फूलों का रस पीने में हेल्प करती है इन्हें। मॉस्किटोज एंड लीचेस हैव अ शार्प हॉलो नीडल लाइक ट्यूब, सो आपने देखा होगा मॉस्किटोज जो है वो कितनी जल्दी हमारे जो है खून पे लेती हैं। आप देख सकते हो ये नीडल जैसा एक शेप है उनके, नीडल जैसा एक ट्यूब है जिससे वो हमारा खून पीती हैं, and which they pierce into the body
ऑफ अस टू सक आवर ब्लड. ये जो नीडल हमारी बॉडी में वो चुभा देती हैं और फिर वो खून पी लेती हैं. एंड अर्थ वर्म हैज अ होल लाइक माउथ. सो ये जो अर्थ वर्म है इसका जो माउथ है वो होल की तरह दिखता है. इट ईट्स मड. ये मिट्टी को खाता है. एज इट क्रॉल्स थ्रू द ग्राउंड. जैसे ये ग्राउंड में मिट्टी में घूमता है तो ये मिट्टी को खाता जाता है. मड हैज बिट्स ऑफ डेड एनिमल्स. मड में क्या है, बहुत सारे छोटे मोटे मरे हुए जीव जंतुओं के टुकड़े होते हैं, प्लांट्स के होते हैं. विच इज द फूड ऑफ द अर्थवर्म, जो कि इस अर्थवर्म का फूड होता है. Now children, here an activity is given. What you have to do, you have to test your skill here. Write true or false for the following. यहाँ पे कुछ questions दिए गए हैं, आपको true false लिखना है and correct the false statement. और जो गलत है, जो false है, उसे सही भी करके दिखाना है. So different animals have different eating habits. क्या अलग अलग animal के अलग अलग eating habits होते हैं? Yes, this is true. Animals like lion and tiger eat plants. क्या animals जो लायन और टाइगर होते हैं क्या ये प्लांट्स खाते हैं? नो, फॉल्स. सो व्हाट दे ईट फ्लैश. तो प्लांट्स की जगह हम लिखेंगे फ्लैश. स्नेक्स हैव च्यूइंग टीथ. नो, दिस इज फॉल्स अगेन. दे डोंट हैव एनी टीथ. हैव नो टीथ. क्लियर. अ फ्रॉग हैज अ लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इट्स फ्रॉग. फ्रॉग के पास एक लंबी सी स्टिकी टंग होती है जिससे वो फ्रॉग को पकड़ लेता है. अगेन फॉल्स. किसे पकड़ता है वो? इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है. नेक्स्ट, एन अर्थवर्म हैज अ होल लाइक माउथ. यस, दिस इज ट्रू. अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था. सो दीज आर द आंसर चिल्ड्रन. ऐसे ही आपको इन आंसर्स को लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है. स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स विच हेल्प देम इन फीडिंग. सो कुछ स्पेशल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे एनिमल्स के जो उनको फीड करने में हेल्प करते हैं. जैसे बेबी ऑफ एनिमल्स लाइक काउ, कैट, डॉग एंड गोट सक मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ देयर मदर्स. सो ये जो एनिमल्स होते हैं जैसे काउ का बेबी, कैट का बेबी, डॉग का बेबी, गोट का बेबी, ये क्या करते हैं? मिल्क पीते हैं अपनी मम्मी के. और कहाँ से? उनके ब्रेस्ट पार्ट से. नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग्स टेक मिल्क एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर टंग. अब कुछ एनिमल्स है जैसे कैट हो गए या डॉग हो गए, ये क्या करते हैं? मिल्क को अपने टंग से लिक करके पीते हैं. नेक्स्ट है, लिजर्ड एंड फ्रॉग हैव अ लॉन्ग एंड स्टिकी टंग. लिजर्ड और फ्रॉग जो होते हैं इनके जो टंग है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे और स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं. दे शूट आउट देयर टंग टू कैच इंसेक्ट. इंसेक्ट को, कीड़े को पकड़ने के लिए अपने टंग को जल्दी से बाहर निकाल के अंदर कर लेते हैं और स्पेस जो इंसेक्ट है वो चिपक जाता है. जिराफ्स एंड कैमल्स हैव लॉन्ग नेक. जो जिराफ्स होते हैं या कैमल्स होते हैं इनकी गर्दन काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है विच एनेबल्स देम टू रीच द हाई ब्रांच, जिसकी वजह से ये आसानी से ऊँची ऊँची टहनियों तक पहुँच जाते हैं ऑफ द ट्रीज के. एन एलिफेंट यूजेज इट्स लॉन्ग ट्रंक टू ब्रेक लीव्स. अब एलिफेंट क्या करता है? अपनी जो लंबी सी जो ट्रंक है उसे यूज करता है लीव्स को ब्रेक करने के लिए. एंड पुश देम इन टू इट्स माउथ, और उसे अपने माउथ में डालने के लिए. तो ये अपना इस ट्रंक हिस्से को यूज करता है. बर्ड्स हैव नो टीथ बट दे हैव बीक्स. बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं लेकिन उनके पास चोंच होती है, उनके बीक्स होते हैं. बर्ड्स डू नॉट ग्राइंड और च्यू देयर फूड, दे सिंपली स्वैलो इट. बर्ड्स अपने खाने को चबाती नहीं है, ना ही उसे ग्राइंड करती है, वो सिर्फ उसे गटक जाती है. अ स्पाइडर कैचेस इट्स प्रे बाय ट्रैपिंग देम इनटू द वेब स्पिन बाय इट. और स्पाइडर क्या करता है? वो अपने जो भी उसका प्रे मीन्स खाना है उसे अपने जाले में जो है फंसा लेता है. तो मकड़ी के जाले में उसका जो भी खाना रहता है वो फंस जाता है. नाउ हियर यू कैन सी एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक. चिल्ड्रन, डू यू नो दैट द टिप ऑफ एन एलिफेंट्स टंग इज सो सेंसिटिव एंड फ्लेक्सिबल दैट इट कैन पिक अप इवन अ पिन. आपको क्या पता है कि जो एलिफेंट की जो टंग होता है
वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है और फ्लेक्सिबल होता है कि वो गिरे हुए एक छोटे से पिन को भी उठा सकता है। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स लर्न अबाउट केयर ऑफ एनिमल्स। अब इन एनिमल्स का कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए। सो इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड ट्रीट देम विथ लव एंड काइंडनेस। एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए, उसको प्यार से और काइंडनेस के साथ हमें ट्रीट करना चाहिए। दे शुड बी फास्ट फॉडर्स, ऑयल सीड्स, केक्स एंड अदर हेल्दी फूड। सो यहाँ पे जो है फास्ट मीन्स फॉडर मीन्स इनका जो खाना है वो काफ़ी फास्ट होना चाहिए, ऑयल सीड केक्स होने चाहिए और दूसरे हेल्दी फूड आइटम्स होने चाहिए एनिमल्स के लिए। वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स। थोड़ी थोड़ी देर में हमें उन्हें खाना और पानी दोनों देना चाहिए। देयर शेल्टर्स मस्ट बी क्लीन फ्रीक्वेंटली। उनका जो घर है, शेल्टर मीन्स घर, उसे टाइम टू टाइम हमें साफ रखना चाहिए। अ वेटनरी डॉक्टर शुड बी क्लीन टू ट्रीट सिक एनिमल्स। हमें क्या करना चाहिए, एक वेटनरी डॉक्टर जो है उसे जो है बुलाना चाहिए ताकि वो इन बीमार एनिमल्स का ध्यान रख सके, उन्हें ठीक कर सके। सो जब भी कोई एनिमल बीमार हो तो हमें एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। नाउ लेट्स लर्न वॉट इज फूड चेन। अ फूड चेन शोज हाउ ईच लिविंग थिंग गेट्स इन टू फूड। सो फूड चेन क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका होता है, एक तरीके का चेन होता है जिसमें हर एक लिविंग थिंग जो है इन्वॉल्व रहता है, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ। एवरी लिविंग थिंग हैज इट्स ओन प्लेस इन वन ऑफ और मैनी फूड चेन। हर एक लिविंग थिंग जो है किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये मैंने आपको बताया, चाहे वो एक फूड चेन में जुड़ा हो चाहे बहुत सारे फूड चेन में जुड़ा हुआ हो। ऑल द फॉलोइंग चेन्स बिहाइंड बिगिन विथ ग्रीन प्लांट्स। जितने भी फूड चेन होते हैं वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होते हैं। तो ग्रीन प्लांट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फूड चेन का, दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर, मिनरल, एयर एंड सनलाइट। और ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खुद का खाना बना सकते हैं वाटर, मिनरल, सनलाइट और एयर की मदद से। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड। एनिमल्स अपना खाना नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं, या तो प्लांट्स पे डिपेंड हो जाते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड हो जाते हैं अपने खाने के लिए। ग्रास इज ईटन बाय ग्रासहॉपर। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फूड चेन, जिसमें क्या होता है, पहले आता है ग्रास, उसको कौन खाता है, उसको खाता है ग्रास हॉपर। द ग्रास हॉपर बाय द फ्रॉग। अब ग्रास हॉपर को कौन खा जाता है, फ्रॉग। एंड द फ्रॉग बाय द स्नेक। और फ्रॉग को खा जाता है स्नेक। दिस इज लाइक अ चेन दैट द प्लांट एंड एनिमल्स फॉर्म। ये एक चेन की तरह वर्क करता है जो प्लांट और एनिमल मिलके बनाते हैं। इट इज कॉल्ड अ फूड चेन। इसे फूड चेन कहते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रास, ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग और फ्रॉग को खाता है स्नेक। फिर स्नेक मर जाता है और वो मिट्टी में मिल जाता है और वहाँ पे नई ग्रास आ जाती है। सो दिस इज फूड चेन। ये चेन चलता रहता है, कभी भी नहीं रुकता। नाउ चिल्ड्रन, अगेन देयर इज एन अ टेस्ट फॉर यू, टेस्ट योर स्किल। मेक अ फूड चेन ऑफ द एनिमल शोन बिलो। यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, उनका क्या करना है, फूड चेन बनाना है। नंबर ईच पिक्चर टू इंडिकेट इट्स पोजिशन इन द फूड चेन। तो यहाँ पे स्नेक है, बोर्ड है और ग्रेन है। तो सबसे पहले ग्रेन, तो ये तो प्लांट से आते हैं तो ग्रेन को हम देते हैं नंबर वन। अब ग्रेन को कौन खाता है, स्नेक या फिर बर्ड, तो इसे खाता है बर्ड, तो नंबर टू है बर्ड। अब बर्ड को कौन खाता है, स्नेक, सो स्नेक है नंबर थ्री पे। अब स्नेक के मरने के बाद वहाँ पे नई घास आ जाती है, नए प्लांट्स उग जाते हैं। सो द फूड चेन नंबर इज वन, टू एंड थ्री। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू फ्लैश बैक। वॉट एवर वी हैव लर्न चिल्ड्रेन वी विल बी रिवाइजिंग दैट हियर। सो यहाँ पे लिखा है फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने लिविंग बींग्स हैं, उनकी सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो ज़रूरत है वो है फूड। एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स। एनिमल्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, हर्बीवरस, कार्निवरस और ओमनिवरस। एंड अ फूड चेन शोज हाउ ईच लिविंग थिंग गेट्स इट फूड। फूड चेन बताता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे अपना फूड पाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स। यहाँ पे कुछ हमने नए वर्ड्स भी पढ़े हैं, क्या है वो वर्ड्स और क्या है उनका मीनिंग, दिस वी आर गोइंग टू लर्न।
सो प्लांट ईटिंग एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स जो प्लांट फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को खाते हैं. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कौन है? एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का. डोमेस्टिक एनिमल्स क्या हैं? कौन है जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं. ग्नॉविंग क्या है? ये क्या है? बाइटिंग एज दो वी आर स्क्रैपिंग द फूड. हम क्या करते हैं फूड को यहाँ पे मीन्स पीसेस में कट करते हैं. इनके शार्प टीथ से ये एनिमल्स फूड को ग्नॉ करते हैं. सो दीज वर द न्यू वर्ड्स चिल्ड्रन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज. हियर ए एक्सरसाइज इज टेक द करेक्ट ऑप्शन. सो द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ. कौन सा एनिमल है जिसके जो दांत है वो शार्प नुकीले और पॉइंटेड है? क्या वो गोट है, लायन है, काउ है या फिर स्नेक? सो द करेक्ट आंसर इज लायन. लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड. हमारी तरह एनिमल्स को क्या चाहिए? आइसक्रीम चाहिए, मिल्क चाहिए, फूड चाहिए या फिर कोल्ड ड्रिंक चाहिए? तो उन्हें भी फूड चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओमनीवोर. इनमें से कौन है जो ओमनीवोर नहीं है, मीन्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को नहीं खाता? सो ह्यूमन बींग खाता है, क्रो खाता है, जिराफ और बियर. सो जिराफ सिर्फ प्लांट्स खाता है. दिस फोर्थ वन चिल्ड्रेन इज ए होमवर्क, डू इट योर सेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. सो फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. ह्यूमन बींग इज ऑल्सो एन ओमनीवोरस. A cow is a dash eating animal. So cow is a plant eating animal. Like this children, you have to do the rest two questions as your homework. Now let's move on to write true or false for the following sentences. Only animals can prepare their food. Kya sirf animals apna khana prepare kar sakte hain? No, false. They cannot do this. Omnivores are plant and flesh eating animals. Yes. ओमनिवोरस क्या है? प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं. स्क्विरल, रैट एंड रैबिट्स आर कॉल्ड नॉवर्स. यस, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. लाइक दिस चिल्ड्रन, यू हैव टू डू द रेस्ट टू क्वेश्चन एज योर होमवर्क. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैचिंग. यो लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी हर्बीवोरस आर प्लांट ईटर्स. नाउ मॉस्किटो has hollow sucking tube. Buffalo chewing the cud. Tiger sharp pointed front teeth. And humans are omnivorous. So these are the answers. Now let's quickly move on to answer the following questions. So why do animals need food? Animals need food to survive. And also to focus on their daily work. Now, how are the teeth of plant-eating animals different from those of flesh-eating animals? So, the teeth of plant-eating animals are broad. Front teeth are broad and sharp. But in the case of flesh-eating animals, they have pointed and sharp teeth. Next is state the importance of scavengers. So scavengers help in keeping the jungle clean. So they keep the jungle clean. Next two questions are your homework children. What is chewing of curd and what is food chain? These two you have to do yourself. And with this we have completed the chapter. I hope you have enjoyed learning it. And I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.